हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट और टॉपिक है इसका प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस दैट व्हाट इज द एक्चुअल डिफिनेशंस ऑफ द एसिड एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड एंड हाउ वी कैन चेंज द डायल्यूट एसिड फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेट एसिड। वी शैल हियर डिस्कस दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड हैव सावर टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या होता है? सावर टेस्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है एसिड का? कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कोई भी एसिड हो, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो चाहे इनऑर्गेनिक एसिड हो, दोनों एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर टेस्ट होता है। जैसे इमली खाते हैं तो उसमें भी टेस्ट जो है सावर होता है, आंवला खाते हैं तभी भी उसका टेस्ट क्या होता है? सावर होता है। तो सब में क्या एसिड है? ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो, मिनरल एसिड हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, वो दोनों का टेस्ट जो है सावर होता है। दही में भी कर्ड को भी अगर हम टेस्ट लेते हैं तो उसका भी टेस्ट कैसा होता है? सावर ही होता है। मिल्क में भी जो होता है उसका भी हल्का फुल्का टेस्ट आता है, लैक्टिक एसिड होता है उसमें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा किस में? रेड में। ये सिर्फ इनऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक एसिड भी जो है वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कैसे बनता है? एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी एसिड लें, चाहे इनऑर्गेनिक एसिड लें चाहे ऑर्गेनिक एसिड लें, तो जब उसको हम, जैसे हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक एसिड हैं, ये Cl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ये इनऑर्गेनिक एसिड हैं। COOH का होल ट्वाइस ऑर्गेनिक एसिड हुआ, HCOOH का होल ट्वाइस फॉर्मिक एसिड हुआ, एस्टिक एसिड हुआ CH3COOH। जब इनको हम वाटर में रखते हैं, वाटर में जब इस एसिड को रखते हैं या वाटर में इनको डाइल्यूशन करते हैं तो टूटता है। किसमें टूटता है? H प्लस चार्ज एंड Cl माइनस चार्ज, चार्ज में टूटता है। कौन से चार्ज में? कैटायन में और एनायन में, मतलब ये आयन में टूटता है, सॉरी ये किसमें टूटता है? आयंस में टूटता है, कैटायन में और एनायन में। सल्फ्यूरिक एसिड को ही तोड़ते हैं तो 2H पर प्लस चार्ज, सल्फेट पर माइनस टू चार्ज। वाटर में अगर नाइट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं तो एच पर प्लस चार्ज एंड NO3 पर माइनस चार्ज। COOH को अगर हम तोड़ें तो COO पे नेगेटिव चार्ज एंड प्लस 2H पर प्लस चार्ज। फार्मिक एसिड को यहाँ तोड़ रहे हैं, HCOO पर नेगेटिव चार्ज एंड H पर प्लस चार्ज। ऑर्गेनिक एसिड को तोड़ रहे हैं, एस्टिक एसिड को, तो CH3COO पर नेगेटिव चार्ज एंड प्लस H पर प्लस चार्ज। यह आयन में टूट जाता है। एसिड किस में टूटता है? आयंस में। कौन से आयंस में? तो कैटायन में और एनायन में। सब कैटायन और एनायन में टूटे हुए हैं। कैटायन पॉजिटिव चार्ज है और एनायन क्या है? हमारा निगेटिव चार्ज है। ये चार्ज का कैरियर होते हैं। जब आयंस में टूटेंगे कैटायन और एनायन में तो ये क्या बन जाते हैं? चार्ज का कैरियर। अब चार्ज के कैरियर बनने की वजह से जितने भी एसिड होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है
कि एसिडिक जो बेस भी एक काम करता है, बेस की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे आपको कि एसिड जितने भी हैं कि सारे एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, सारे एसिड जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो है एक अच्छे कंडक्टर बनते हैं। अगला पॉइंट है एसिड का, अगला पॉइंट देखते हैं कि एसिड रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, एसिड रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड या डाइल्यूट एसिड लिख देते हैं, एसिड रिएक्ट विद द, एसिड रिएक्ट विद द एसिड नहीं, एसिड रिएक्ट विद द मेटल, एसिड रिएक्ट विद द मेटल, मेटल से बात करते हैं और यहां पर हम डाइल्यूट लिख रहे हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट इसको डी आई एल से सिर्फ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसको समझ जाइएगा कि डाइल्यूट बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद द मेटल तो देन टू फॉर्म, देन टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड डाइल्यूट एसिड रिएक्शन कर रहा है मेटल के साथ तो यह प्रोड्यूस करेगा किसको, हाइड्रोजन गैस को। फॉर एग्जांपल में 2Na एंड प्लस H2SO4 डाइल्यूट है, यह कैसा एसिड है, डाइल्यूट है तो इनऑर्गेनिक एसिड, लेकिन है इसका पोजीशन क्या है, डाइल्यूट एसिड है, तो बनाएगा यह क्या प्रोडक्ट, Na2SO4 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होगा, यहां 2K प्लस 2HCl देन 2 फॉर्म, ये भी डाइल्यूट पोजीशन होगा इसलिए हम डाइल्यूट ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, 2KCl प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, क्लियर है। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम को भी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम भी क्या हमारा मेटल है, जिस हिसाब से पोटेशियम और सोडियम मेटल है वैसे मैग्नीशियम भी मेटल है, तो मैग्नीशियम भी रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो H2SO4 तो बनाता है प्रोडक्ट MgSO4 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम अल्मोनियम भी यही काम करेगा, Al प्लस H2SO4 प्रोडक्ट बनाता है Al2SO4 का होल थ्राइस एंड प्लस 3H2SO4 कर दें हो जाएगा 3H2, यहाँ लगाते हैं हम बैलेंस करने के लिए 2L प्लस 3H2SO4 L2SO4 प्लस 3H2। एस्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, CH3COOH एंड प्लस 2Na देन टू फॉर्म 2CH3COONA एंड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी एसिड हो, चाहे वो मिनरल एसिड हो चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो, ठीक है, अब उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वह डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन किसका करेंगे, तो आंसर है हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट। ये सब जो है यानी N2SO4 हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, अल्मोनियम सल्फेट हुआ, सोडियम एसीटेट हुआ, ये सब साल्ट है और इसके साथ रिएक्शन किसका हो रहा है, डाई हाइड्रोजन गैस का हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है क्या वह एक्चुअल हाइड्रोजन गैस ही है, इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वह हाइड्रोजन गैस किसी रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही है, इफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इफ वी ब्रिंग द मैच स्प्लिंटर नियर टू द हाइड्रोजन गैस तो इट गिव्स ए पॉप साउंड, कैसा प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड मतलब धक धक की आवाज देगा ये। तो इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हैं कि क्या यह इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वह हाइड्रोजन गैस ही है, और इसको प्रूव हम कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हाइड्रोजन गैस के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती या
जलती हुई मोमबत्ती, मतलब जलता हुआ कैंडल, यहाँ मैचस्टिक लेके आते हैं तो वह काट फायरिंग कर लेता है और वह हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस उसकी तेज जाती है और पॉप साउंड को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल में हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें टू होल कार्क लगा दिए, कैसा कार्क जिसमें दो होल हो, तो दो होल होता है तो उसको बोलते हैं टू होल कार्क, ठीक है। एक होल के थ्रू हम थीसिल फनल रखते हैं, लैब में आप जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका पता चलेगा कि थीसिल फनल या थीसिल फनल हो गया। दूसरे में वेंट ट्यूब लगा देते हैं, दूसरे होल के थ्रू, कार के दूसरे होल के थ्रू हम वेंट ट्यूब लगा देते हैं, थोड़ा सा इस टाइप से ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। इसके थ्रू हम इस जो थीसिल फनल है इसके थ्रू जो है हम डायलूट H2SO4 रखते हैं, किसमें, इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में थीसिल फनल के थ्रू हम डायलूट H2SO4 रखते हैं, ठीक है। और पहले से एक एडजस्ट कार को एडजस्ट करने से पहले इसमें मैग्नीशियम के मेटल को रख देते हैं, मैग्नीशियम के मेटल को रख देते हैं, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू होता है, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें रखते हैं ड्रॉपर के थ्रू, तो रिएक्शन स्टार्ट होने शुरू होता है। और रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यह रिएक्शन शुरू हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है और वह हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल करके बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे जैसे वो जलता हुआ मैच स्टिक लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जलता हुआ मैच स्टिक लेके आते हैं तो वह काट फायरिंग शुरू हो जाता है और प्रोड्यूस करता है पॉप साउंड। क्या प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड। तो हम जान जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह उसके पास जलती हुई अगर कैंडल्स, जलता हुआ मैच स्टिक लेके आते हैं तो पॉप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस टाइप का रिएक्शन दिखाएगा तो क्या पोटेशियम मेटल इसके साथ यह रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि पोटेशियम भी मेटल है, अल्मोनियम भी यही प्रोसेस दिखाएगा, सोडियम भी यही प्रोसेस को दिखाएगा। तो यह मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो वह डाइल्यूट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को इवाल्व करेंगे और जो गैस प्रोड्यूस होगी रिएक्शन में वह क्लियर है कि वह हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी, इधर क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट है कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट आर मेटल बाइकार्बोनेट, तो देन व्हाट हैपन, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। श्योर है कि इफ द एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट तो देन व्हाट हैपेंड, या देखिए एसिड रिएक्ट विद द, अगला पॉइंट कौन सा था, सिक्स होना चाहिए, एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो भी समझ में आता है आप बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो देन प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस करेगा, देन प्रोड्यूस साल्ट एंड CO2 गैस, साल्ट एंड CO2 गैस, एक और प्रोडक्ट बनाएगा एंड H2O, वाटर को भी क्लियर करेगा, वाटर को इल्यूमिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल में Na2CO3 यह मेटल कार्बोनेट है, या K2CO3 ये भी मेटल कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये भी मेटल है, कार्बोनेट है, ठीक है,
NaHCO3 यह मेटल बाइकार्बोनेट है, KHCO3 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं LiHCO3 लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर यह रिएक्शन करेंगे, अगर यह जो है रिएक्शन करेंगे तो किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। यहाँ हमने लिखा डाइल्यूट H2SO4। तुम सोच रहे होगे कि सर बार बार डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी लिख दे रहे हैं ताकि तुमको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैग्नीशियम की फिश डाइल्यूट H2SO4। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का हम नहीं लेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि क्यों नहीं लेंगे वो बाद में बताएंगे। NaCO3 डाइल्यूट HCl। अरे यार प्लस का सिंबल लगाना चाहिए ना, क्योंकि रिएक्शन चल रहा है। प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 यहाँ भी लगा दिए। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बना रहा है, Na2SO4 क्लियर है, Na2SO4 प्लस H2O एंड प्लस CO2, ये भी बनाएगा 2KCl एंड प्लस CO2 एंड प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इस यहाँ बनाएगा ये MgSO4 एंड प्लस CO2 एंड प्लस H2O। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ क्या बनाएगा ये KH2KHSO2, यहाँ पर लिख देंगे 2KHCO3, क्या हो जाएगा K2SO4 एंड प्लस 2H2O। बैलेंस करने के लिए हमने 2H2O एंड प्लस CO2 है तो 2CO2 हो जाएगा, 2CO2। कहीं बैलेंस नहीं होगा तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्क नहीं है, ठीक है ना। कहीं बैलेंस नहीं होगा तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा 2-3 से ऐड करके। यहाँ पे देखिए Li2 2LiHCO3 हो जाएगा 2LiHCO3 का लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो Li2SO4 प्लस 2CO2 एंड प्लस 2H2O। हर कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, हर एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और इसके साथ साथ क्या इलिमिनेशन हो रहा है, H2O। देखिए यहाँ पे H2O सब में इलिमिनेट हो रहा है, मतलब H2O का कंडेंसेशन हो रहा है, H2O निकल रहा है यहाँ से और बन क्या रहा है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या, इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वह एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, तो आंसर है यस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास कराएंगे तो लाइम वाटर टर्न इनटू द मिल्की कलर। लाइम वाटर में जब पास कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो लाइम वाटर किस में चेंज होएगा, मिल्की कलर में। कैसे, उसके लिए रिएक्शन क्या होगा, लाइम वाटर का फार्मूला होता CaOH का होल ट्वाइस एंड प्लस CO2, तो बनाएगा प्रोडक्ट CaCO3 एंड प्लस H2O। यह अनस्टेबल है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान दीजिएगा कि यह लाइम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास कराएंगे किसमें, लाइम वाटर में, तो यह प्रेसिपिटेट बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाएगा। लेकिन यह प्रेसिपिटेट क्या होगा, अनस्टेबल प्रेसिपिटेट है, यह काफ़ी लंबे समय तक दिखने वाला नहीं है, कुछ समय के बाद ये टूट जाता है, कुछ समय के बाद जो है यह जो है टूट जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास कराएंगे तो लाइम वाटर टर्न इनटू द मिल्की कलर, और मिल्की कलर किसके कारण होता है, तो मिल्की कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, और पुनः कैल्शियम कार्बोनेट जो है थोड़ी समय के बाद वो टूट जाता है। प्रेसिपिटेट तो बनाएगा लेकिन वह प्रेसिपिटेट अनस्टेबल होगा, वह टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, तो CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस
H2O एंड प्लस CO2 प्रोडक्ट बनाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन टूट जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कंटिन्यूस जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास, कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेगी, किसमें पास करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O में, तो वह जो है टूट करके या प्रेसिपिटेट टूट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। क्लियर है, बाकी प्रॉपर्टी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।